अब हम कुछ प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक पढ़ा आप लगातार हैं और जो प्रश्न उससे संबंधित आया अभी तक आपने उसको नहीं देखा। शुरू में जो आए थे प्रश्न वो एक दो बार चर्चा की गई, जैसे बीच में बता दिया गया, लेकिन प्रश्न डायरेक्टली हम कुछ ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्पज। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लिखिए। ब्लूम की टैक्सोनॉमी सीटेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है, 1-5। ब्लूम की टैक्सोनॉमी .. की पदानुक्रमित व्यवस्था है, कब आया? 2013 सीटेट में आया हुआ प्रश्न, इसको आप फिल करेंगे, है ना? जो .. पहला ऑप्शन आपका पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका पठन कौशल। तीसरा आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य, और चौथा आपका ऑप्शन उपलब्धि लक्ष्य। पता है कि नहीं, देख लीजिए प्रश्न क्या है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा की है, पठन कौशल की है, संज्ञानात्मक उद्देश्य की है, या उपलब्धि लक्ष्य की है? इन चारों में से जो आंसर है आपको बताना। कितने लोग पहले ऑप्शन में? सारे लोग इकट्ठे। अच्छा, देख लिया? चलिए, तो आया वो प्रश्न, जैसे जो पढ़ा है आपने तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी तो सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छा है, अभी तो आज गया है ना, तो याद है, 10 दिन बाद ना फिर भूल जाएंगे। यहाँ दिमाग में रखे क्या उद्देश्य जहाँ आया, वो भी संज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी उद्देश्य हो, विशिष्ट उद्देश्यों की बात सुनिए मेरी बात। यहाँ दिया पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य है, लेकिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन कौन सा है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक या क्रियात्मक, तीनों में से कोई ऑप्शन देता तो आप यहाँ पे सही करते। देखिए, यहाँ से प्रश्न उत्तर नहीं बताएंगे, उसके पीछे जो रीजन है वो भी बताएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि संज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड, ये तीनों में से कोई ऑप्शन होता तो आता, लेकिन अगर आपको यहाँ याद रहा होगा उद्देश्य में इन्होंने दिया है तो आप तुरंत आंसर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। 2013 में 1-5 में आया हुआ ये प्रश्न, ये पढ़ाया गया, इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न है, लिख लिया शॉर्ट में लिखा करिए, थोड़ा शॉर्ट करके ना, ऐसे कि हाँ इसमें क्या शॉर्ट करिए, ऐसे ना ऐसे स्टार कर लिया करिए, जैसे कोई चीज है ना तो आप वहाँ नीचे फुट पे लिख सकते हो उसको, जो चीजें आपकी छूट जा रही ना, बहुत सारी चीजें शॉर्ट में, लेकिन यहाँ क्या शॉर्ट में लिखेंगे यही नहीं समझ में आ जाने, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो ना। दूसरा प्रश्न है आपका, लिखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपको समझ में आया कि प्रश्न कैसे आएंगे, इसलिए मैं इसको लेके आया। दूसरा आपका प्रश्न सुनिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, ठीक, सिवाय, पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की क्षमताएं, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की आवश्यकताएं, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की त्रुटियां, चौथा ऑप्शन है आपका अधिगम शैली।
काट लीजिए पहले, नहीं अभी अभी नहीं, अपना आंसर अपने पास। मैं पूछती हूँ कैसे पूछना। सीखने के लिए आकलन, ये आकलन और वही मूल्यांकन वाला टर्म है, असेसमेंट जो करते हैं बच्चों का, आकलन करते कि बच्चा कैसा है, वही टर्म है आकलन। उससे भी ब्रॉड होता है, जैसे मापन हुआ, मूल्यांकन उसकी व्याख्या, आकलन में समस्त पक्ष आ जाते हैं। क्या? मापन, मूल्यांकन, आकलन, और इससे भी छोटा क्या होता है? परीक्षण। सबसे छोटा परीक्षण, फिर मापन, फिर मूल्यांकन, और सबसे ब्रॉड हर पक्ष को ले ले तो आकलन। तो व्याख्या करने के बाद आप आकलन करते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थी की क्षमताएं, विद्यार्थी की आवश्यकताएं, विद्यार्थी की त्रुटियां और अधिगम शैली। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही लग रहा है? कितने लोग पहले ऑप्शन में हाथ उठाएं, कितने लोग दूसरे ऑप्शन में हाथ उठाएं, कितने लोग तीसरे ऑप्शन में हाथ उठाएं, वेरी गुड, कितने लोग चौथे में, आप चौथे में, आप तो कहीं नहीं, तीसरे में तो हाथ कहाँ गया, बता दिया करिए, बीच में रहेंगे तो आप। प्रश्न ऐसा ही है, अब वहाँ हम थोड़ी आपको एक्सप्लेन करने आएंगे, प्रश्न आप देखिए, आप आकलन करिए, मैं तो बताऊंगी। ऐसे तो कौन से लगाएंगे, तुक्का मारेंगी, अक्कड़ बक्कड़ हमें वो सिवाय से आप क्या समझ रहे हैं? तो काफी लोग आपके तीसरे में, आप क्यों एक्सप्लेन करने के बाद नहीं पलटी, तीसरे में हाथ उठा दिया, नहीं आपने चौथे में उठाया था, है ना, और तीसरे में तीन हाथ उठे थे, और आप तो समझिए ना, अब वहाँ पेपर में वो समझाई देगा तो प्रश्न क्या दे, मैं अभी जब बताऊंगी तो मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके सामने समस्या दे कि आप क्या आकलन करिए, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ सही हैं, इसलिए मैं पहले क्या आपको प्रश्न दे दे। अब पूछ रहे सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, सिवाय का मतलब क्या, छोड़कर। तो बाकी सब तीन ऑप्शन आपका अब नहीं बदल सकते, गलत बात, अब वहां खोला कर दी काला पेन से तो मिटेगा थोड़ी, व्हाइटनर लेके जाएंगे, व्हाइटनर नहीं लगाता वहां, अभी हम छात्र रहिए। देखिए आपने बिल्कुल सही उधर से सोचा था, अगर ये हटा देते तो, है ना, बहुत जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाते, यही तो अच्छाई है आपकी, यही है कि 12 पेपर आप दीजिए, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं, वहां तो पेपर करके आप आधे घंटे एक घंटे बैठ सकते हैं। ये आपके जिंदगी का सवाल एक तरह से क्यों रहता है, क्योंकि वही स्ट्रगल आपको फिर से जब करना पड़ेगा, पता नहीं भाग के साथ देगा कि नहीं, वैसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं, आप इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि आप ये नहीं भूल जाते कि नहीं लिखा हुआ है, सिवाय अक्सर जबकि आप तो नहीं, अच्छा टेढ़े और मोटा सा लिखा रहता है, इसको खूब मोटा करें तब भी आपको वो नहीं दिखता, चश्मा लगा लेंगे तब भी नहीं दिखता, आप क्या आपको दिखते, जहां तुरंत डरेंगे तो पढ़े, तब तक भरा गया, सोचते समझते तो काला हो, उसे मजाक नहीं कर रही हूँ, यही गलतियां आप करते, सिर्फ एक नंबर दो नंबर से रुकता है। आप समझिए यहाँ पे बोला सिवाय, तो विद्यार्थी की क्षमताएं, क्या ऐसा है कि इसका आकलन नहीं करते, क्षमताएं का करता, तो आपको ये ऑप्शन पहले गलत कर दिया। आवश्यकताएं, अच्छा ये हो सकता है संचय, ये त्रुटियां, नहीं वो नहीं होगा, मैथ से नहीं होगा, मैम एकदम नहीं होगा, इसका तो आकलन करता है, अधिगम शैली वो भी होता है, भी करता है, कैसे आप सीखते हैं, आपकी स्टाइल, लर्निंग स्टाइल का भी आकलन क्या करता है, तो सीखने की भी अलग अलग शैलियां होती है, अलग अलग मॉडल होते हैं, तो लर्निंग स्टाइल जो है उसका भी करता है। यहाँ आंसर होगा आवश्यकता है, अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए स्पेशली, क्योंकि आप सबसे पहले समझी थी प्रश्न, लेकिन इसको छोड़ के अच्छा कोई बात नहीं, इतनी तेज मेरे बुलंद आवाज है, आप सोचिए कि आप कैसे इस आंकलन पहुंचे, क्योंकि आपने प्रश्न समझा तुरंत, आपने आंसर सही बताया, क्योंकि लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर हम सबकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो क्या सही मूल्यांकन होगा, उनको जोड़ ही आ रहा है, उनको गुड़ा रहा है, तो उनसे गुड़ा पूछेंगे, इनसे जोड़, एक कक्षा में चार्जर लगाए कहाँ से लगाए, ठीक अभी म्यूट हो जाएगा, ठीक
आप समझिए, यहाँ अगर हम आवश्यकताओं के अनुरूप आकलन करेंगे तो सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, तो सबका अपना अलग अलग आकलन करना पड़ेगा। और आपको तो देखना है कि उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं, तो हम उद्देश्य पे आकलन करते हैं ना कि बच्चे की आवश्यकता पे। तो ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ सिवाय पूछा, ये आपका मापन मूल्यांकन से प्रश्न था जो अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ, तब भी इतनी कन्फ्यूज। एक साथ हाथ उठना चाहिए, सही है, जिस प्रश्न पे आप एक साथ हाथ उठा देंगे बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब ये थोड़ी कह रही हूँ कि हाँ वही आएगा, ऐसा आएगा नहीं, हम पुराना प्रश्न देख रहे हैं कि कैसे मॉडल से वो प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, ये भी 2013 या 12 में आया था शायद, पूछा गया है, हम कहीं इधर उधर प्रश्न नहीं लाए हैं, आप मिला लीजिएगा, 2012 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है 2012 डाल लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन अब किया है, किसी ने किया है। अब ये जो पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा, ये आपके सीटेट के सिलेबस के उस पॉइंट से है जिसमें क्या प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई, जो सीटेट के सिलेबस में, वहां से ये प्रश्न उठाया है। अब डायरेक्ट बालक से ही नहीं, उस पॉइंट से भी रिलेटेड है, क्या बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है। ऑप्शन आपका इरिक्सन, डीवी, स्किनर, लास्ट है आपका डार्विन। ऐसे पूछ पूछ के वहां नहीं लिखेंगे, इसलिए पहले आप आपस में मत डिस्कस क्या करें, आप जितनी गलतियां करेंगे वो प्रश्न भूलेंगे नहीं, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आप पहली बार में बता दे रहे तो प्रश्न आप भूल जाएंगे, अगर आप पहली बार में नहीं बता पा रहे तो प्रश्न क्या वो आपको ज्यादा याद रहेगा। जैसे जो प्रश्न हम गलत करके आते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है कि नहीं, इसीलिए कह रही हूँ यहाँ गलती कर दीजिए वहां मत करिएगा। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया किसने, किया सबसे ज्यादा या किया किसने इनमें से, तो इरिक्सन मनोसामाजिक इन्होंने दिया हुआ है, डीवी को आप जानते हैं प्रयोजनवादी हैं, स्किनर जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया हुआ, डार्विन आप जानते हैं विकास का सिद्धांत दिया, ठीक। तो डार्विन क्या कर रहे थे, जो विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो एक थे लैमार्क और एक थे डार्विन। लैमार्क ने बोला था कि जैसे जैसे उसने गर्दन अपनी उचकाई वैसे वैसे उसकी गर्दन लंबी हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी हो गई। और डार्विन ने क्या कहा था कि उसने संघर्ष किया, जो जिराफ था उसने संघर्ष किया, तो जो छोटी गर्दन वाले थे वो खत्म हो गए और जिनकी गर्दन लंबी थी वो बच गए और उन्हीं की आपकी पीढ़ी चल रही है। तो इन्होंने विकास से संबंधित सिद्धांत दिया। तो यहाँ पूछा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पूछा है। तो इरिक्सन आप जानते हैं क्या दिया इन्होंने, मनोसामाजिक। दूसरा डीवी ने क्या दिया है, प्रयोजनवाद, मतलब प्रयोजनवाद से संबंधित इन्होंने शिक्षा दी। स्किनर ने क्या दिया है, क्रिया प्रसूत, और इन्होंने क्या दिया है, विकास का सिद्धांत। विकास बालक के विकास का नहीं, जो उत्पत्ति हुई जीवों की उसके विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो आप बताइए, जब इनके बारे में आपने जान लिया कि रिक्सन कौन है, डीवी कौन है, स्किनर कौन है और डार्विन कौन है, तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा बताइए। 2012 में ये भी आया सीटेट, पहले आंसर में कौन कौन, पहले आंसर में कौन कौन है, डरिएगा मत, इसमें नहीं दिख रहा कौन उठा, हमें दिखना चाहिए, हमसे छुपाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर वो चीज़ें कमियां मैं दूर नहीं कर पाऊंगी। बताइए पहला आंसर किसका किसका, कौन है पहले, कोई नहीं है, अच्छा ऐसे बताना चाहिए ना, कोई नहीं है, दूसरे कौन है, आप हैं, तीसरे कौन है, अरे वाह, चौथे कौन है, अकेले आप ही सही हैं। आंसर क्या है, प्रयोजनवाद की बात नहीं, मैंने उनके उनका इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा प्रोजेक्ट मेथड, ये जो जितनी चीज़ें बाल केंद्रित आई हैं या प्रगति, मैंने क्या कहा यहाँ, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जो आपके सिलेबस में दिया, और प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उठाई वो डीवी ने उठाई। इन्होंने व्यवहारवाद किया
जो भी उनका सिद्धांत था, लेकिन इन्होंने बच्चे को क्या किया, पुनर्बलन से सिखाया। तो बाल केंद्रित कहाँ हुआ, बच्चा जान के अपने मन से थोड़ी सीखा। चूहे को भोजन के लिए क्या किया उसने, बाध्य किया, क्या उसने नहीं किया, मतलब उसने अनुक्रिया करी और बाद में क्या किया, उसने सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करी, इन्होंने जो किया बात वो बालक से संबंधित है नहीं, क्या उसमें पता नहीं जा रहा है कि नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद सुनिए, और इन्होंने क्या दिया कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, तो सीधे आपका आंसर क्या है, पहले यहाँ से आप काटेंगे तो इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, फिर आपको मनोसामाजिक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बाल केंद्रित नहीं दिया, समाज पे ज़्यादा जोर दिया है, तभी ना समाज में ही बालक है, लेकिन बालक का जो बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है ना, तो ये सबसे ज़्यादा किसने दिया है, ये प्रगतिशील वाले टर्म का है आपका आंसर। ठीक, यहाँ कुछ प्रश्न से आप जो नहीं पढ़े वो भी जान जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपका ए बी सी डी, क्या इनका नाम आपको पहले से पता है, तो ऑप्शन ही ना दूं, क्या आपको पता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, थार्नडाइक। चलिए तब ऑप्शन देना जरूरी है, लिखिए फ्रायड, थार्नडाइक, मैं अपने से ऑप्शन उल्टा सीधा दे रही हूँ, प्रश्न इसी में रहेगा, जैसा आप ऑप्शन देंगे उसी पकड़ ले, पावला और वुंट, कितने लोग ऑप्शन वन में, कितने लोग ऑप्शन टू में, लगातार हाथ उठाएंगे कौन कोई सही रहेगा, चार, दो, दो, दो में कितने लोग हाथ उठाइए, आप किस में अकेले, अभी नहीं, नहीं पता, देखिए कितने कितने ऑनेस्ट है, तुक्के वाले में नहीं रहते, इसका आंसर है ये, तुक्का मारे थे ना, वुंड ने किया था, जो रटने वाले हैं उनको सबसे पहले आंसर आया होगा, है ना। 1879 में पहली बार इन्होंने जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला क्या की, स्थापित की। पावलोव ने भी प्रयोगशाला में ही अध्ययन किया था, लेकिन 1900 में किया था, 1901-2 में। इनके साथ वॉटसन ने भी कई एक्सपेरिमेंट किए थे प्रयोगशाला में, लेकिन सबसे पहले किसने किया था, वुंट ने, विलियम वुंट, इनका पूरा नाम विलियम वुंट, जी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न मिटा दूं, पाठ प्रस्तावना सोपान, लिखते रहिए, पाठ प्रस्तावना सोपान, पाठ प्रस्तावना सोपान किससे संबंधित है, कौन से सिद्धांत से, अब देखिएगा क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना सोपान किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है आपका प्रभाव का नियम, दूसरा ऑप्शन है आपका सादृश्यता का नियम, तीसरा ऑप्शन है आपका तत्परता का नियम, और चौथा आपका ऑप्शन है साहचर्य का नियम। शिक्षण बताया था तो पाठ प्रस्तावना बताया था, शिक्षण में कौशल है ना ये, पाठ प्रस्तावना में क्या करते, पहले देखिए यहाँ से प्रश्न नहीं पढ़ रहे, जो जो टर्म आ रहे उसको भी मैं डिफाइन कर रही हूँ, कि हो सकता है उसी बहाने आपको
समझ में आ जाए। पाठ प्रस्तावना की जो बात करी गई, चलिए पहले आप आंसर दे दीजिए, मैं इसको तब समझाऊंगी। कितने लोग आंसर वन में, कितने लोग दो में हैं? अगल बगल देख के मत करिएगा। हाँ ठीक। कितने लोग तीन में हैं? आप दूसरे में हैं। कितने लोग चार में हैं? अच्छे, सबसे अच्छा लग रहा है ना, सबसे कठिन यही तो होता है। हाँ लग तो रहा है, यही यही तो है, ऐसे ही तो आप आंसर देते हैं। बहुत अच्छा, वही कमियाँ जो हम मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें, इसलिए मैं आपको हमेशा पिंच करती हूँ। हो सकता है बुरा लगता कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आप मेरी तरह आप फिर से दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़े। ये शुरू में हम लोग पास गाइडेंस नहीं था, तो हम लोग को पहली बार में नहीं निकला था। सीटेट की बात करें, यूपीटेट तो पहली बार में दोनों निकला, लेकिन ये पहली बार में नहीं निकला था। सिर्फ हम पकड़ नहीं पाए थे कि प्रश्न का आंसर कैसे देते, जितना अच्छा आंसर दिखेगा वही हम क्या करते, ठोक के चले आते। ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। आप देखिए, यहाँ बात हुई जब पाठ प्रस्तावना की, तो ये मैंने बताया था प्रस्तावना के प्रश्न बनते हैं। जो आपका कंटेंट है प्रकरण, उस तक आने के लिए बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या करते हैं, जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं या कोई भूमिका रखते हैं। ठीक, इतना आपको पता है। जैसे मैंने बताया कि था कि दाब पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाते हैं, कि बर्थडे का बात, बर्थडे के लिए पूछेंगे किसका किसका बर्थडे है, उसके सजावट के बारे में पूछेंगे, फिर बैलून तक आएंगे, फिर बैलून कैसे फूलता है, कैसे फूटता है, तो बच्चा उस कारण तक आ जाएगा। कहें दाब पड़ता है तो फूटता है, या तो नहीं भी आया तो बस जानता है तो फूटता है ना, तो कारण तक हम उसको पहुंचा देते, तब कहते हैं कि हम क्या आज हम दाब के विषय में अध्ययन करें। तो ये सारा प्रस्तावना के प्रश्न में आता है प्रश्न। तो यहाँ अब इस जो ये टर्म है, इसको किसके नियम से जोड़ रहा है, सादृश्यता कहाँ जोड़े, किसका नियम है, अभी तक नहीं याद आया आपको, बहुत सही, थार्नडाइक का है नियम। अब थार्नडाइक का कौन सा नियम पाठ प्रस्तावना में घुस गया, अब आपको यही बताना। आपको क्या करना है, प्रभाव, आपको जानते हैं प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, संतोषजनक असंतोषजनक। किसके अनुसार, थार्नडाइक का। सादृश्यता मतलब एक ही जैसी परिस्थिति, सेम टू सेम वैसी। तत्परता मतलब क्या, आप एक्टिव हो जाए। और साहचर्य मतलब क्या, एक जैसा आपने सीखा है वैसी ही दूसरे प्रकार की परिस्थिति में, भिन्न परिस्थिति में प्रयोग करना। तो यहाँ प्रभाव अगर कह रहे हैं तो गलत है, कि प्रभाव तो यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं, संतोष असंतोष की बात नहीं है। क्या तत्पर जो प्रस्तावना के प्रश्न है वो प्रभाव दिखाते हैं, तभी तो कंटेंट शुरू भी नहीं हुआ। सादृश्यता आप कह रहे हैं तो क्या वही चीज पूछते हैं जो आपको पढ़ाना है, नहीं, उसके पूर्व का ज्ञान पूछते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ाते उससे, उसे कंटेंट के बारे में कितना जानता है उस कंटेंट तक लाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया, सेम टू सेम परिस्थिति नहीं। अब एक ऑप्शन आपका जो था अच्छा वाला, साहचर्य, कि अब जब कंटेंट पढ़ लेगा तब ना उसका यूज दूसरी परिस्थिति में करेगा, अभी तो कंटेंट तक आया ही नहीं, वो तो प्रस्तावना की बात करें। हम क्या करते हैं, बच्चा एक्टिव हो जाए उस टॉपिक के प्रति, तत्पर हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना, साहचर्य नहीं अभी नहीं, साहचर्य मतलब जो आप सीख चुके हैं उसका भिन्न परिस्थिति में यूज करना ना। तो अभी तो सीखे ही नहीं, अभी तो प्रस्तावना पे है ना, सीखेंगे तो स्पष्टीकरण में ना, या प्रस्तुतिकरण में। समझिए कहाँ से प्रश्न आ रहा, किस चीज को किस नियम से जोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं, इसलिए आपको सारे नियम और सिद्धांत पढ़ाए जाते। एनालिसिस करिए, कैसे आप कह सकते हैं प्रभाव, कैसे आप कह सकते हैं सादृश्यता, कैसे आप कर सकते हैं साहचर्य। जब वो इंट्रो दे रहा है तो जैसे प्रश्न पूछता है, अब इसमें एक और लॉजिक है, क्या पूछता है इसमें, प्रश्न। और प्रश्न पूछने की ये क्या मतलब, कोई अगर पहले पार्ट के पहले प्रश्न पूछता है तो किस लिए पूछता है, ताकि बच्चा जो है अटेंशन में आ जाए, तत्पर हो जाए सीखने के लिए, इसीलिए ना। तो तत्परता का सिद्धांत हुआ कि नहीं, अब समझ में आया, अभी भी कन्फ्यूज को कन्फ्यूज कर रहा है तुरंत पूछिए, नहीं तो बाद में अगर आप गलत करके आए ना तो फिर जान लीजिए कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे, मुंह बना के रहेंगे हम, क्योंकि आप असफल होंगे तो कौन असफल होगा, मैं, आप पांच ही हैं, दस ही हैं, दस के दस अगर निकल जाते तो जो रिजल्ट क्या है वो 100%, कोई टैग नहीं लेना है, बस आपको दोबारा सफर न करना पड़े, मैं यही चाहती, इसलिए मैं बताती हूँ जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की आपको न फेस करनी पड़े। तो यहाँ चीज़ों को समझने का प्रयास कर, तुरंत कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा कभी, तुरंत निष्कर्ष उसी प्रश्न में निकलेगा जिसमें आपके स्मृति स्तर के प्रश्न, कि हाँ रटा हुआ हो या कहीं देखा हुआ, ऐसे प्रश्नों में आपको एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए प्रश्न को भी। और यहाँ क्या, प्रश्न से ज़्यादा ऑप्शन समझने की
ज़रूरत है। हम लोग भी कभी कभी गलत कर देते हैं और सीटेड का आंसर दूसरा आ जाता है। सोचिए जब हम लोग जान रहे हैं वो चीज़ तब भी तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे बहुत ही सोच विचार कर आंसर देना। ये समझ में आया? अच्छा प्रश्न था, इसमें कई चीज़ें आपकी, आप किसी चीज़ से रिलेट कर देगा तो आप इस प्रकार के प्रश्न को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिए, कम पढ़िए लेकिन पूरा पढ़िए। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा जो बचा हुआ है उसमें से आगे प्रश्न तो क्या करेंगे, मतलब अगर एक पॉइंट पढ़िए तो उसका हर प्रश्न लगाने का की क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए, और वो मैं नहीं लगवा सकती, वो खुद आप लगा सकते। कितना भी प्रयास करें आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लिखिए, सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन आधारित है। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है विलंबित पुनर्बलन, ये तीनों कर लिए, चौथा है पुनर्बलन की निष्क्रियता। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, सीखना पूछ रहा है ना, सीखना अधिगम, तो अधिगम से रिलेटेड कोई चीज पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि अधिगम में पलायन कर जाना, समझ रहे हैं? एक मूल प्रवृत्ति और संवेग आपने पढ़ा होगा मैड्यूगल का, नहीं पढ़ा है कहीं कंटेंट में? मैड्यूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति 14 दिया है ना, इधर एक साइड उसकी मूल प्रवृत्ति दिया है, इधर क्या संवेग दिया है, तो क्या होगा, भय से क्या करता है कोई पलायन कर जाता है, जैसे डर लगता है तभी पलायन करता है, जैसे एग्जाम छोड़ के भाग जाना अर्थात आप एग्जाम से डर रहे, घर छोड़ के भाग जाना अर्थात घर की परिस्थिति से डर, किसी परिस्थिति से भागना मतलब उस परिस्थिति से क्या आप डर रहे, तो ये मूल प्रवृत्ति और संवेग यहाँ पे जो होता है भय और पलायन होता है, उसको हमें नहीं जानना है। यहाँ पूछ रहा है सीखने में पलायन, मतलब सीखने से भागना, मतलब छोड़ के हट जाना, सीखना नहीं, आधारित है किस पे आधारित है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता। पहले ऑप्शन में कितने लोग हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? अब इसको पहले समझ लीजिए, सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जो क्रिया के पुनः होने की संभावना बढ़ा देगा, तो ये तो आंसर आपका नहीं। नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जो क्रिया की होने की संभावना को कम करता है और जिसको हटा दे तो क्रिया होने लगती है, तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि हो जाए, क्यों हो सकता है ना। विलंबित पुनर्बलन देर से देना, हो सकता है कि क्या बच्चा छोड़ दे। देखिए कितने ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, यही तो देखना है आपको, कभी कभी चारों ऑप्शन सही रहते हैं इसके, लेकिन ज़्यादा सही वाला आपको लगा। पुनर्बलन की निष्क्रियता तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका पलायन कर देगा। अब इससे भी कर सकता है अगर दंड दिया, दंड नहीं माना जाएगा, या नकारात्मक पुनर्बलन यूज़ किया तो हो सकता है वो पलायन कर जाए, लेकिन हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है सीख ले, डर के मारे सीख भी तो सकता है। नकारात्मक पुनर्बलन से इशारा कर दीजिए, नहीं कुछ कह दीजिए, तुम एकदम गधे हो, इस प्रकार के शब्द लोग नहीं यूज़ करना चाहिए लेकिन करते हैं टीचर, तो इस प्रकार से कर दीजिए कि वो बच्चा क्या करे, पढ़ाई छोड़ के भाग जाए। लेकिन कोई कोई ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि अगर आप यूज़ भी करिए तो उनको और मोटिवेशन मिलती कि नहीं अब हम पढ़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पलायन ही कर जाए, पलायन मतलब भय से भाग जाना। तीसरा क्या, विलंबित में भी ज़रूरी नहीं है, क्यों, एक आपने पढ़ा सतत और दूसरा पढ़ा असतत, दो प्रकार के पुनर्बलन पढ़े, एक लगातार देते रहें हर सही अनुक्रिया पे और एक रुक रुक के दे। एक चीज़ आपको बता दूं, असतत पुनर्बलन सतत से ज़्यादा अच्छा होता है,
क्यों पता है? लगातार आप किसी को देंगे तो सबको पता है कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन इसलिए बच्चा तत्पर रहता है कि हो सकता है मेरे वाले मिल जाए, तो लगातार प्रयास करता रहता है। तो क्या है, विलंबित से जरूरी नहीं है कि पलायन कर जाए। तो ये आपका आंसर गलत। अभी इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो निष्क्रिय है अगर अगर उसको नहीं पुनर्बलन मिल रहा है, मान लीजिए पास नहीं हो रहा है, तो कितनी बार वो एग्जाम देगा? या उसको आप रोज बाहर क्लास के कर दे रहे हैं, या उसको ऐसा बल नहीं प्रदान कर रहे हैं, बाकी को मिल रहा है उसको नहीं। अगर आपका पुनर्बलन निष्क्रिय है तो डेफिनेटली इन ऑप्शंस में से ये आपका आंसर सही होगा। क्या? पुनर्बलन की निष्क्रियता। ये पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर उसको कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो धीरे धीरे क्या उसका उत्साह कम होने लगता है। अगर अच्छा काम कर रहा है फिर भी वो गलत ही उसको रिजल्ट मिल रहा है। तो इन में ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन आपका ये है कि जब पुनर्बलन निष्क्रिय हो जाएगा। सही सोचा था आपने, वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ज़्यादा जो हो सकता है वही आपका आंसर होता है। यही आपको समझना है कि आंसर आपके 3-2 कन्फ्यूजिंग रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा आपके क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट रहेगा वही आंसर आपको लगाना। लिखा बहुत कुछ रहता है उनका पढ़ने चले तो। अच्छा, कितने लोग स्टार्टिंग का पढ़ते हैं? एग्जाम देने मैं गई थी, मैं आपको बताऊं क्यों आप नहीं पढ़ते, उसका रीजन सुने। नवोदय का एग्जाम देने गई थी और 100 नंबर का मैथ आया था और डर के मारे 60 आउट करी थी, उसमें भी सही गलत, वो भी तुक्के में कुछ सही कुछ गलत। बाद में मुझे सबने बोला था कि उसमें क्या आता है निगेटिव, सबने इतना डराया था। जब घर गई तो मुझे पता चला कि अरे 100 करने चाहिए थे, एक को निगेटिव मार्किंग है। अगर पहले फ्रंट पेज हम अगर मैंने पढ़ लिया था तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। तो इसलिए फ्रंट पेज तो आपको पहले ही मिलता है ना, तो OMR भरने से पहले फ्रंट देखा करिए, हो सकता है इस बार निगेटिव लगा दे, ऐसा हो सकता है ना, या हो सकता है उसमें कुछ नियम चेंज कर दे। कभी कभी अचानक बदल देते एग्जामिनेशन में, उसका बच्चे विरोध भी करते, इसे पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है हमने समझा कुछ और वहाँ लिखा कुछ और। बहुत सारी आपकी चीज़ें रहती, कभी कभी नीली काली दोनों यूज़ कर देते हैं, उस पर एकदम लिखा रहता है काली पेन यूज़ करें, जब नीले से काग दो भर देंगे तब चिल्लाना शुरू करेंगे, अब क्या करें। तो वहाँ पे निर्देश इसीलिए लिखा रहता है कि आपको एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसे निर्देश ज़रूर पढ़ लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? सोपान समझ रहे हैं, स्टेप। आगमन निगमन प्रयोगशाला अंतर्दर्शन। विधियां आपने शिक्षण की पढ़ी हुई है, क्या बोल रहा है? उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान। इसी बहाने आपको उस विधि के सोपान भी पता चल जाएंगे, ऐसा प्रश्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेकंड भी आपको नहीं लगेगा कि क्या आंसर है। एक बार देख लीजिए, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? सोपान मतलब स्टेप। अब एक सीरियल से दिया हुआ है, अब इसमें मत कहिएगा कि आगे पीछे कर सकते। आगमन पढ़ा आपने, निगमन पढ़ा है, प्रयोगशाला पढ़ा, बहिर्दर्शन अंतर्दर्शन जो दो आपकी अवलोकन की विधियां हैं, ऑब्जर्वेशन की। अब बताइए इसमें से क्या आंसर आपको लग रहा है? कितने लोग एक में हैं, कितने लोग दो में हैं, कितने लोग तीन में हैं? आप तीन में हैं।
कितने लोग चार में हैं? कोई नहीं, आप भी आगमन में, दो लोग आगमन में, दो लोग निगमन में, बाकी आधे इधर हैं, आधे उधर हैं, बाकी इधर हैं। निगमन है आपका भी? क्या आया ये? कितनी बार कहूँ, देख के प्रश्न भयभीत मत होइए, एक पॉइंट पकड़ लीजिए, तुरंत आंसर आ जाए। उदाहरण पहले किसमें आता है? अच्छा तो कंफ्यूज है उसमें, ठीक है, इसी बहाने आप देख लीजिए। दो विधियां आपकी क्या इसमें तो दोनों नहीं है ना, इन्हीं में कंफ्यूज है ना, समझ लीजिए। ठीक है, आगमन और निगमन। पहले कहा गया कि अगर किसी चीज का एग्जाम्पल दें और बाद में सिद्धांत बताएं, उदाहरण पहले और सिद्धांत बाद में, तो कौन सी विधि है? आगमन। आप कंफ्यूज हैं, समझ गए ना, याद आ रहा है? और इसमें क्या है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट। पहले अगर एग्जाम्पल देके, व्याख्यान देके, भूमिका बना के, तब बाद में अगर सिद्धांत आए, तब क्या आगमन में क्या आता है? सिद्धांत बाद में आता है, वो मेहमान है, पहले से वहां उदाहरण बैठा रहता है या भूमिका बैठी रहती, ठीक। तो अगर उदाहरण पहले बोल दिया तो आपको आंख मूंद के आगमन, शायद अगर आपको याद रहा होता तो आप भी आगमन करते, क्योंकि आप उस विधि में कन्फ्यूज थे। आप तो नहीं है ना, इसीलिए दूसरा बताया ही नहीं थे हम, क्या एक याद करिए उसका अपोजिट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों पढ़ के ही लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक पढ़िए और सारे सूत्र इसके उस पर अपोजिट कर दीजिए। आप समझ में आया? अब स्टेप देख लीजिए इसका, उदाहरण करते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं बच्चों, फिर विश्लेषण करेंगे, उसको समझाएंगे, वर्गीकरण करेंगे, तब नियमीकरण, नियमी मतलब सिद्धांत, ठीक। तब किस विधि को हम कहेंगे? आगमन विधि को कहेंगे। समझ में आया? प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, सिर्फ अगर हम पढ़ लें, देखिए अगर ये मिट गया होगा तो आंसर सिर्फ आप आगमन लिख लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हो तो। अगर आप हर चीज को सिर्फ रट लेंगे तो कभी भी कोई चीज बहुत, अगर स्मृति स्तर की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर और कोई स्तर, बोध या चिंतन स्तर का प्रश्न आ गया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न और उत्तर दोनों देखने चाहिए। मान लीजिए प्रश्न नहीं समझ में आ रहे, हमने तो स्टेप पढ़ा ही नहीं था, लेकिन हमने आंसर तो पढ़ा था, तो आंसर में किसका क्या था? 2-3 सेकंड ज्यादा लगता है, आंसर का एनालिसिस करिए और तुरंत आप सही ऑप्शन लगा देंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? नीचे लिख लीजिएगा, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? वॉटसन, पियाजे, बंडूरा और थार्नडाइक। ये आपका परिस्थितिगत आपका प्रश्न है कि एक आपको कंडीशन दी गई है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार, हिंसात्मक समझ रहे हैं ना, एग्रेसिव आपका कोई बिहेवियर है, मतलब जिसमें मारपीट हो रही है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है। बच्चे फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि हाँ फाइट करने लगते हैं, सही उनको आता नहीं पहले मारना, ये देख देख के क्या करते सीखते हैं। तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? वॉटसन, पियाजे, बंडूरा और थार्नडाइक। तो इसमें किसको किसको आपने पढ़ा है? थार्नडाइक को पढ़ा है, बंडूरा को भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पियाजे को तो पढ़ा है, वॉटसन को सी होगा। अभी ऐसे लगा लीजिए तो मैं बता रही हूँ सबका, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, नहीं है, चौथा है, तीसरा सही है। बंडूरा को नहीं पढ़ा तो कैसे बता रहे, मतलब नहीं पढ़ा तो लगा देंगे,
बहुत सही, ऐसे भी आप सही बोले, ऐसे भी लगाते जो नहीं पढ़ा होता वही लगा देते, वैसे आपका तुक्का सही था। खुश मत हो, ये तुक्का सही होना ना होना उस प्रश्न पे आधारित जो आपके पेपर में आएगा, यहाँ नहीं। कितनी खुशी होती है ना तुक्का से, और सही आंसर बताते इतने खुश नहीं होते, तुक्का सही होता है तो बहुत खुशी होती है। देखिए आपने आकलन किया, जो वॉटसन जो थे व्यवहारवादी थे, इन्होंने बोला कि जैसा आपका वातावरण, इन्होंने किसको वोच दिया, जैसा आपका वातावरण होगा, अभी आंसर नहीं बताई आपको, खुश कर रही थी कि तुक्का सही। अब यहाँ एनालिसिस करिए कि क्या इनका सिद्धांत, इस बहाने इनके सिद्धांत को भी आप पढ़ लें। वॉटसन ने कहा कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं जैसा चाहूँगा उसे बना दूंगा, अर्थात पूरी आपके बालक के विकास की जो अवस्था, जो कंडीशन होती, जो उसके उसका सीखना होता है या उसका व्यवहार होता है, किस पर डिपेंड होता है, वातावरण पे 100%। दूसरे पियाजे इन्होंने क्या कहा, संज्ञानात्मक, मतलब क्या संज्ञान, जो चीज़ें उसके विकास के तरीके से ही उसमें आएंगी, जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे वो सीखेगा। इसके अनुसार कैसे सीखता है, संगठन, संरक्षण और अनुकूलन, उसमें समाविष्टीकरण और वो दो आपके पॉइंट आते हैं। यहाँ हम क्या जानेंगे, संगठन करता है, संरक्षण करता है, अनुकूलन करता है, तो बालक सीखता किसके अनुसार, पियाजे। वॉटसन के अनुसार वातावरण से। बंडूरा ने क्या कहा कि कुछ लोग सूझ से सीखते हैं और कुछ लोग आपके व्यवहार से सीखते हैं, लेकिन एक तीसरा फैक्टर होता है सामाजिक वातावरण, और बच्चा इन तीनों के बीच क्या अंतःक्रिया से सीखता है। कैसे, कुछ लोग ने कहा सिर्फ व्यवहार से सिखाएंगे जैसे स्किनर, कुछ लोग ने कहा सूझ से सिखाएंगे जैसे कोहलर, लेकिन बंडूरा ने इन दोनों के साथ एक नया टर्म जोड़ा, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। तो इन तीनों के बीच अंतःक्रिया होती तभी बालक सीखता है, समझ रहे हैं। अब देखिए थार्नडाइक ने क्या कहा, एस और आर से सीखते, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच बॉन्ड बनता है, बच्चा सीखते। तो फिल्म तो स्टिमुलस लग रही है ना, और वो रिस्पांस कर रहे, तो हो सकता है आंसर सही हो सकता है इनका सही हो सकता है इनका सही हो सकता है इनका सही हो। अब बताइए क्या लग रहा है, पहला, दूसरा, अच्छा तीसरा, तीसरा। देखिए आपके जो सीखने के सिद्धांत आए वो मुख्यतः दो भागों में बटे थे, एक लोग थे, एक आपका जो मनोवैज्ञानिक पूरा तबका था वो कहता था कि व्यवहार कुछ भी किसी को सिखा सकते हैं, उसमें कोई अदर चीज इफेक्ट नहीं करती, व्यवहारवादी इनको अधिगम कहलाएगा, जैसे स्किनर का था, थार्नडाइक का था और पावलोव का था। कुछ लोगों ने माना कि जो सीखना है वो सिर्फ संज्ञानात्मक, मतलब सूझ, जैसे कोहलर का सुना था ना, कोहलर ने क्या कहा था, दिमाग की बत्ती जलती है और बच्चा सीखता है। लेकिन बंडूरा ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा न सिर्फ इससे सीखता है, न सिर्फ इससे सीखता है, और न सिर्फ इन दोनों से सीखता है, यहां व्यवहार लाइए, यहां सूझ लाइए, एक तीसरा टर्म आपका सामाजिक वातावरण। बच्चा जब तीनों के बीच अंतःक्रिया करता है तब सीखता है। और इन्होंने कहा बालक अनुकरण करके, अवलोकन करके सीखता है, किसने कहा, बंडूरा ने। अब सिर्फ वातावरण नहीं दिखा रहे इसको, वातावरण से तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए पियाजे का भी नहीं कि संज्ञानात्मक, यहाँ उसने क्या किया, अनुकरण किया कि नहीं, कि जैसा मूवीज में दिखाया गया वैसा ही वो व्यवहार किया। तो उसने जो सामाजिक वातावरण उसके सामने प्रस्तुत हुआ उस मूवी के माध्यम से उसने संज्ञान में भी लिया, उसने व्यवहार में भी लाया, क्या उसके व्यवहार में वो हिंसात्मक प्रवृत्ति आई, दिमाग में बैठा कि मार कैसे करनी है और क्या देख के बैठा वो मूवी, तो इन तीनों के बीच अंतःक्रिया हुई कि नहीं, तो क्या किया, ये आपका आंसर बंडूरा ही था। फिर खुश हो जाइए तुक्का लगा था, खुश होइए कम होइए, तुक्के पे मत खुश होया करें, लेकिन उसको जब नहीं पढ़ाया गया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, हाँ अपनी गलती कभी कोई मानता थोड़ी है, वह तो थांडा की बिल्ली भी नहीं मानी थी, भले वो सीखी थी मानी थी, उसको थोड़ी पता था त्रुटि कर रही है सीख रही है, लेकिन त्रुटि से बालक सीखता है ये किसने प्रूफ किया है, थार्नडाइक। मिटा दें,
प्रश्न है आपका, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, यह क्या कहलाता है? जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है। यह टर्म पहले आप समझिएगा जो इसमें आए हुए हैं। इसका आंसर पहला दिया हुआ चिंतन, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अधिगम अंतरण, चौथा है बौद्धिक विकास। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम मतलब सीखना, दूसरी परिस्थिति में सीखने को तथा उसकी निष्पादन मतलब क्या, उपलब्धि, अचीवमेंट, समझ रहे हैं? जो शब्द नहीं समझ में आया करें पूछ लिया करें, क्योंकि ये आंसर आपका आंसर में दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। निष्पादन क्या है तो इंग्लिश देखेंगे तो वहाँ अचीवमेंट, वही उपलब्धि जो आपका एग्जाम के बाद मिलता है या कोई चीज़ प्राप्त करने के बाद मिलता है उसको क्या कहते हैं, उपलब्धि। ठीक, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो एक में सीख लिया और दूसरी परिस्थिति को क्या करे, प्रभावित करे, तो ये क्या कहलाएगा? चिंतन, स्मृति, हाथ उठाएगा बस, बोलिए नहीं, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। पहले में कौन कौन है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, आप भी तीसरे में। चिंतन क्या होता है, विचार जो होते हैं, है ना? तो क्या एक परिस्थिति में सीखा तो उसका चिंतन दूसरी परिस्थिति में नहीं प्रभावित करेगा? अच्छा, स्मृति क्या होता है, जो आपकी स्टोरेज पावर होती है, एक परिस्थिति में स्टोर किया तो क्या दूसरी परिस्थिति में प्रभावित नहीं करेगा? पहले से पढ़े हुए हैं, यहाँ गलत पढ़ाएंगे तुरंत बोलेंगे कि नहीं पढ़े रहेंगे तो एकदम शांत रहेंगे। एक परिस्थिति में आप क्या करें, सीखा, दूसरी परिस्थिति में अधिगम अंतरण नहीं प्रभावित करेगा, तो कहीं पढ़ा होगा आंसर उस पर नहीं। यहाँ देखिए आंसर दिया क्या है, कैसे आपको फंसाया है। क्या एक बौद्धिक विकास एक परिस्थिति में हो गया तो क्या दूसरी परिस्थिति को प्रभावित नहीं करेगा? ये तो नहीं कर सकता कि विकास हो गया तो कैसे प्रभावित, उतना विकास जन्मजात आपकी क्षमताएं होती है, बौद्धिक विकास को तो आप काट ही दीजिए, करता है लेकिन उतना नहीं करता। अब देखिए तीनों करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन अप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? क्या पढ़ते हैं तो दिमाग में नहीं बैठाते, प्रभावित नहीं करता? आप बताए कितने लोग एक में हैं अभी भी, कितने लोग दो में हैं, कितने लोग तीन में हैं, आप किस में हैं? वेरी गुड, आंसर आपका यही है लेकिन क्यों है आप ये देखिए। हमें पता है सिर्फ आंसर दिखता है लेकिन वहां पे आपका यही प्रश्न नहीं आएगा, वहां कुछ भी आप आंसर दे देगा और यही परिस्थिति बदल देगा और आप गलत करके चले आएंगे। मैं जान रही हूँ कि आपने ये इसकी डिफिनेशन पढ़ी हुई लेकिन जिसने नहीं पढ़ी हुई वो कैसे करेगा, वो तो कहीं भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप देखिए आप एक परिस्थिति में सीखे क्या ए
और दूसरी परिस्थिति में आप सीखने और निष्पादन, मान लीजिए एप्पल लिखना है आपको, डबल पी एल ई, तो परिस्थिति बदल गई, यहाँ आप अल्फाबेट सीख रहे थे, यहाँ एप्पल सीख रहे हैं, तो इसको प्रभावित कर रहा है अगर कि आप ए नहीं यहाँ सीखे थे और यहाँ लिख लिए, और यहाँ नहीं सीख पाए थे यहाँ नहीं लिख पाए, यहाँ यहाँ गलत ए ऐसे बनाते थे तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, गलत ए ऐसे बनाएंगे। तो इसे कहते हैं अधिगम अंतरण, मतलब एक परिस्थिति में सीखी गई चीज़ का दूसरी परिस्थिति में जो प्रभाव होता है, मतलब अधिगम एक जगह सीखते कक्षा में उसका जो यूज़ करते वो दूसरी परिस्थिति या घर पे या घर के बाहर या समस्या में करते, तो उसको कहते हैं अधिगम अंतरण। ये भी क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक होता है जो बढ़ता जाए, मतलब बढ़ता जाए, ऋणात्मक होता है जो घटता जाए। एक समान निष्पादन वो एक एक स्पीड से क्या होता है, बढ़ता है, और एक होता है एस टाइप, वो बढ़ता घटता रहता है। ये अधिगम वक्र के अंतर्गत बता रही, लेकिन यहाँ पे ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा जो ये करेगा, क्योंकि ये अधिगम जो किया सीखा ना, उसी अधिगम का अंतरण किया ना, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा, अधिगम अंतरण। क्या चीज, अच्छा मैं क्या सोची थी, अच्छा ये नहीं, वो चीज़ जो नहीं जानता इंसान तो कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज रहेगा तो क्लियर करने का प्रयास करेगा, और गलत भी करेगा तब भी प्रयास करेगा, दोनों सही है स्थिति, कम से कम तुक्का नहीं लगा रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक है, आप वहाँ पे तो तुक्का ऐसा करिएगा कि छोड़िएगा मत, लेकिन यहाँ पे आप प्रयास करिए कि सही आंसर, अगर आप कंफ्यूज हैं तो उस आंसर को जानने का प्रयास करिए कि वो दिया क्या है। जनरली हम चिंतन जानते हैं, लेकिन वास्तव में चिंतन की डिफिनेशन अभी पूछ दें तो कितने लोग बता देंगे, स्मृति की डिफिनेशन पूछ दें तो कितने लोग बता देंगे, जानते सब है ना, तो यहाँ तो वही चीज़ तो यहाँ हो सकता है, यही हो डिफिनेशन, तो जो आप पढ़े रहेंगे जाने रहेंगे उसी का आंसर दे पाएंगे वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ऐसे एनालिटिकल प्रश्न पूछता ही, किसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन बहुत कम आपने सुना होगा, वहाँ अपना ही पूरा परिस्थिति दे देगा और उसका आंसर पूछता है, इसीलिए तो वास्तविक परिस्थिति में उसके प्रश्न रहते अच्छा वो मूल्यांकन करता है। समझ में आया, अंतरण मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अंतरण आप अगर इंग्लिश बताते आप पकड़ लेती, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब क्या, एक जगह सीखी गई चीज़ को दूसरी परिस्थिति में यूज़ करना, अगर वो पहले सीखी गई चीज़ दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो धनात्मक अंतरण। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो आप टेनिस भी खेल लेंगे, ठीक है, धनात्मक अंतरण है। ऋणात्मक अंतरण क्या, आप साइकिल चलाएं पैर से और आप बोट चला रहे हैं तो आपका पैर भी थोड़ी दिन चलेगा उस पर, तो उसको बाधा जो बाधा कर रहा है ना, तो ऋणात्मक। तो इसी प्रकार से आपका अधिगम अंतरण एक परिस्थिति में सीखी गई चीज़ को दूसरी परिस्थिति में यूज़ करना, वही चीज़ तो यहाँ कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि नहीं, डायरेक्टली आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। समझ में आया, अभी टफ लगेगा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें सरल हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें देख आप लीजिए, भले ना पढ़िए, देखे रहेंगे तो ईजी रहेगा कम से कम, अब प्रश्न तो सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। एक लास्ट प्रश्न लिखे, कन्फ्यूज हैं तो बोल दिया करिए तुरंत यहाँ पे, क्योंकि घर जाने के बाद कन्फ्यूज़ होंगे तो फिर दिक्कत होती है, अगर यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हैं तो तुरंत बोल दिया करिए। और कौन सा प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, एक और प्रश्न लिखिए, प्रवाह पूर्णता, देखिए डिफिकल्ट वर्ड लेके आई हूँ हर जगह, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता लचीलापन, तत्व हैं, किसके तत्व हैं, पहला है आपका आंसर गुण, दूसरा है त्वरण, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है आपका अभिसारी चिंतन। बताइए, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या मौलिकता और लचीलापन किस चीज़ के तत्व हैं, कौन से तत्व, आपके गुणों के तत्व हैं,
आप में जो वेग परिवर्तन होता है, जो आप स्पीड में आते हैं, उसका तत्व है कि प्रवाह पूर्ण है, त्वरण आ रहा है, मतलब व्याख्या कर ले रहे हैं, मौलिकता है, लचीलापन है। आप सारी चिंतन का है या अभिसारी चिंतन का है, आप बता लीजिए तो मैं जो नए शब्द समझ में आ रहा है मैं बताऊंगी। कितने लोग आंसर वन में, कितने लोग दो में हैं, हाथ उठाइए, कितने लोग तीन में हैं, उठा लीजिएगा मन कर रहा है तो, कितने लोग चार में, यही आपके साथ भी प्रॉब्लम है, ये दोनों काट दें, चलिए ठीक है तब यही रहिए, काट दिया, अब बताइए कौन है तीसरा चौथा, तुक्का मारे हो ना, अच्छा आप खड़े हुए, आप सारे चिंतन से क्या समझते हैं, अगर आप तुक्का नहीं मारे तो आपको पता होगा, हम बताए भी हैं, ताकि ऐसे कंफ्यूज होंगे तो कितनी बार वो चीज़ पूछते भी नहीं, अब भूल भी जाते हैं, गलत है ना, बताइए आप सारे चिंतन क्या है, हाँ कोशिश करिए, कोई और, अरे नहीं 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 लिखी नहीं तो बंद करिए कॉपी, गलत हुआ, हम जान रहे आपने एक्सेप्ट कर लिया पहले ही कि आप इसमें कंफ्यूज, इसलिए दोनों हटा दिया मैंने, ये ऐसा आपका टर्म है कई बार प्रश्नों में आ चुका है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में, और इसी में आप कंफ्यूज होके क्या करते, अगर इंग्लिश जानते होंगे तब तो पकड़ लेंगे, और हिंदी अगर जानते हो तो गलत करके चले आएंगे, इंग्लिश में ये है डाइवर्जन और यह है कन्वर्जेंट थिंकिंग, आप बताइए, तो अगर होगा तो हमको उसको बताइए क्यों होगा, क्या है ये, बदलता रहे, बदलना तो हमने कहीं नहीं लिखा प्रश्न, कोई भी चिंतन हो प्रवाहपूर्ण होगा ही, आप बताइए यहाँ पे जो आपका चिंतन है वो, उसको एक और नाम से अगर लूंगी तो आप जान जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में यही नाम था, वो ये नहीं दिया था ऑप्शन में, आप पकड़ लेते तुरंत, इसीलिए हमने ये ऑप्शन डाल दिया, उसमें यही ऑप्शन दिया था तुरंत लगा देते, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया था, आप देखिए इसको कहते हैं क्या, गैर परंपरागत, और इसको क्या कहते हैं, यही तो देखना था, कॉपी एग्जाम में जाएगी, मान लीजिए ये प्रश्न हम नहीं लेके आते तब क्या होता, यहां पे देखिए ये टर्म जब भी यूज करते तो हम कंफ्यूज होते, तो या तो इंग्लिश जानते रहे डाइवर्जेंट तब तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसी थिंकिंग जो लोगों से हट के हो, परंपरा से हट के, उसको अपसारी या गैर परंपरागत कहते हैं, और जैसा सब सोचते हैं अगर हम भी वैसे सोचे तो परंपरागत, अब देखिए परंपरागत में क्या प्रवाह पूर्णता रहेगी, नहीं, जैसा सब सोचते हैं वैसा ही सोच रहे हैं, व्याख्या होगी क्योंकि उनके अनुसार होगी, मौलिकता नहीं होगी, वो सबके अनुरूप होगी, मौलिकता मतलब आपका अपना यूनिक, मौलिकता मतलब आपके अपने गुण, कहते हैं ये आपके मूल, जैसे मूल प्रवृत्ति होती है ना तो आपके अपने गुण होते हैं ना, मौलिकता भी क्या होती है, अपनी होती है, तो अगर आप सबकी तरह सोचेंगे तो आपका अपना थिंकिंग कहाँ आएगा, इसकी अपेक्षा इस पर बहुत ही कम होती है, अगर ये सही जा रहे हैं सब तब तो आएगी, अगर ये गलत जा रहे हैं तो आपकी मौलिकता वहीं ख़त्म, जैसे मम्मी पापा अगर सही पाथ पे हैं तब तो इसमें आपका मौलिकता दिखेगी, लेकिन नहीं है तो, लेकिन तो आपकी मौलिकता नहीं है, वो उनकी मौलिकता जिनके पीछे आप चल रहे हैं, तो आपकी अपनी मौलिकता तो है नहीं, तो यहाँ क्या लचीलापन भी इसमें नहीं रहता, जैसे सब सोचते हैं वैसे ना सोचते हैं, फ्लेक्सिबल थोड़ी है, अब जैसे सब इस हाथ से खाते हैं तो हम भी तो इस हाथ से खाते, तो फ्लेक्सिबल होते तो इस हाथ से खाते ना, ये परंपरागत है, लचीलापन कहाँ परंपरागत में आया, तो सबकी तरह हमको नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपने विचारों से उसको क्या चाहे जिस दिशा में ले जाए, लेकिन इसमें तो फिक्स दिशा है ना, कि जैसा सब सोचते हैं, जैसे कागज दिया आप तुरंत क्या बोट और वो बना रहे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी है कि कुछ भी बना रहे, और कोई बच्चा कमल का फूल बना दिया या कोई चीज़ बना दिया, ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं, घर बना दिया या ऐसा लिफाफा बना दिया, यूजफुल कोई चीज़ बना दिया जो आपने नहीं सोचा, तो वो आप सारी हो जाए, तो लचीला कौन हुआ, ये हुआ कि ये हुआ, सबकी तरह चलेंगे तो फ्लेक्सिबल थोड़ी है,
आपका अपना व्यू है तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल, क्योंकि अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लेंगे। ये सब नहीं कर पाता, ये वही कर पाता है जिसमें कौन सा गुण होता है, सृजनात्मक। कंफ्यूज आप इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज मत होइए। तो प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन तत्व हैं अपसारी के। ये आंसर नहीं दिया था उसमें, इसमें भी आता है लेकिन इसकी अपेक्षाकृत ये ज्यादा सही है। अब एकदम आप नाकार नहीं देंगे, हो सकता है लोग सही सोचते हो और आप भी सही सोचे, लोग प्रवाहपूर्ण सोचते हैं तो आप भी प्रवाहपूर्ण सोचें, इसीलिए इसको ऑप्शन में नहीं दिया था, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। लेकिन इसके सापेक्ष देखेंगे तो इसमें ज्यादा है कि नहीं, मौलिकता जो गुण सबसे महत्वपूर्ण है वो इसमें होती है। आप कंफ्यूज होंगे इसमें, एकाक और लिख लीजिए। बस लास्ट है, आंशिक पुनर्बलन। तुम रहने दो ना, तुम नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओगी तब आप एक एक प्रश्न लिख लीजिए। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक इसमें तो एनर्जी आ गई, वो बज हो रहा है, एनर्जी यहाँ आ रही, पुनर बलन। सतत की अपेक्षा कम प्रभावी, दूसरा ऑप्शन है सतत की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी, तीसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य, और लास्ट आपके क्या है लिखिए, वास्तविक कक्षा में, वास्तविक कक्षा, कक्ष में अनुपयुक्त। अब देखिए क्या है प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन की बात करी, अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। ये आंशिक पुनर्बलन मतलब ये वो पुनर्बलन है, इसका दूसरा नाम क्या है, असतत, जो लगातार नहीं दिया जाता, ठीक है। अब आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, सतत की अपेक्षा कम प्रभावी, सतत की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त है, कौन सा आपको सही लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था, तो बता दिया है तो बता ही देंगे, लेकिन क्यों? पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है? आंसर तो बता ही दिया था, दूसरा है, हाँ बताई थी सही। इसको आप समझिए क्यों होता है, क्योंकि अगर लगातार आप ये माना जाता है कि पुनर्बलन दे रहे हैं तो बच्चों का उत्साह का क्या होता है, कम होता जाता है, या उनको पता है कि पुनर्बलन मिलना ही है। लेकिन अगर रुक रुक के आंशिक रूप से देंगे तो उनकी तत्परता बनी रहेगी, हो सकता है इसमें नहीं मिला फिर तत्परता से लगेंगे, अगले में मिलेंगे, फिर इसमें नहीं मिला और अगले में मिलेगा, तो वो लगातार क्या कार्य के प्रति तत्पर होते हैं, तो इसलिए इससे क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो कौन सा आंसर लगाएंगे, ज़्यादा प्रभावी होता है।